नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीव्रत दीक्षु। चलिए एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का फिलहाल आगाज करेंगे। खैरागढ़ के सलोनी गांव के पूर्व माध्यमिक शाला में प्रधान उपाचिका शोभना गायकवाड़ की मनमानी से स्कूल के बच्चे ही नहीं बल्कि ग्राम सरपंच, स्कूल का रसोईया और ग्रामीण त्रस्त हो चुके हैं और शासन प्रशासन से गुहार लगाकर हार चुके हैं। इसलिए सभी ने मिलकर स्कूल में ताला जड़ने का निर्णय लिया है। और आपको बता दें, ग्राम पंचायत सलोनी में प्रधान उपाचिका शोभना गायकवाड़ के व्यवहार से छात्री नहीं बल्कि सरपंच भी परेशान है। सरपंच का कहना है कि प्रधान पाठिका के बिना जानकारी दिए कई लोगों को काम से निकाल दिया है और पूरे गांव में प्रधान पाठिका अपना राज चला रही हैं। प्रधान पाठिका के मनमानी के चलते ग्रामीण बेबस नजर आ रहे हैं और प्रधान के मनमानी से तंग यहां पर ग्रामीण नजर आ रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। महासमुंद में नशाखोरी के खिलाफ महिलाओं ने जागरूकता रैली निकाली और आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में लोग नशाखोरी से परेशान हैं और इससे निजात दिलाने के लिए अब ग्रामीण जागरूक हो रहे हैं। और आपको बता दें कि ग्रामीण महिलाओं ने जागरूकता रैली निकालकर नशे के खिलाफ पुतला फूंक दिया है और इस दौरान सरायपाली जनपद अध्यक्ष कुमारी भास्कर समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो महासमुंद से खबर है जहां पर आपको बता दें कि महिलाओं ने जागरूकता रैली निकाली है और यहां पर नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं। और यहां पर बात की जाए तो भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही हैं और महिलाओं ने लोगों को जागरूक किया है और नशे के खिलाफ यहां पर अभियान चलाती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं। तो नशे के खिलाफ देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है और यहां पर भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित हुई और उन्होंने नशे के खिलाफ ये अभियान चलाया है। साथ ही ये महिला हिंसा रोको अभियान के तहत यहां पर अभियान निकाला गया है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई जहां पर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जहां पर आपको बताते कि चुनाव समिति की बैठक जारी है। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में यह बैठक हो रही है। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए यहां पर मंथन किया जा रहा है। साथ ही बैठक में प्रत्याशी के नाम पर भी चर्चा की जा सकती है। तो ये बड़ी और अहम खबर रायपुर से जहां पर कांग्रेस ने अब चुनाव को लेकर कमर कसनी शुरू कर दी है। केंद्रीय समिति को ये रिपोर्ट भेजी जाएगी। पिछली बैठक में 14 दावेदारों के नाम सामने आए थे। 15 नवंबर को घोषित हो सकता है प्रत्याशी के नाम। साथ ही सीएम बघेल और पीसीसी चीफ इस बैठक में मौजूद हैं। तो रायपुर से बड़ी और अहम खबर इस वक्त के सामने आई है। केंद्रीय समिति को पैनल ये रिपोर्ट भेजेगी और साथ ही आपको बता दें कि 14 प्रत्याशियों के नाम यहां पर सामने आए थे। 14 लोग मैदान में दावेदारी ठोक रहे हैं लेकिन अब किस प्रत्याशी के नाम पर मोहर लगेगी ये भी जल्द ही फाइनल कर लिया जाएगा। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की रायपुर से है जहां पर उपचुनाव को लेकर आपको बता दें कि कांग्रेस ने कमर कसनी शुरू कर दी है और आपको बता दें कि यहां पर बैठक की गई है और चुनाव समिति की बैठक लगातार जारी है और यहां पर केंद्र समिति को भेजेगी पैनल। पिछली बैठक में 14 दावेदारों के नाम सामने आए थे और कल तक यानी कि 15 नवंबर तक प्रत्याशी का नाम भी घोषित हो सकता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और सुकमा में जिला निर्माण समिति में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष धनीराम बरसी ने प्रेस नोट जारी किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए ई टेंडर का सरकार ढकोसला कर सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि फर्जी निविदा से अपने चहेते ठेकेदारों को मंत्री के इशारे पर जिला प्रशासन रेवड़ी बांट रही है। जिला निर्माण समिति में अभी 7 कामों को लेकर टेंडर जारी किया है जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता और चहेतों को मोटी कमीशन लेकर निर्माण कार्य दिया जा रहा है जिससे सुकमा जिले में ठेकेदारों में आक्रोश है। वहीं उन्होंने कहा कि ठेकेदारों को डरा धमका कर टेंडर फॉर्म
लेना लेने नहीं दिया जाता है, जबकि कोई ठेकेदार टेंडर फॉर्म ले लेता है तो उस काम को निरस्त कर दिया जाता है। तो वहीं सूरजपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने है, जहां पर ज्वलपरी की तरह दिखने वाले एक नवजात शिशु ने जन्म लिया था। आपको बता दें कि इस नवजात के दोनों पैर आपस में जुड़े हुए थे। तो वहीं आपको बता दें कि मलमूत्र का रास्ता भी नहीं था, जिसके चलते जन्म के महज 2 घंटे में ही नवजात ने दम तोड़ दिया। लेकिन ज्वलपरी की तरह दिखने वाले इस नवजात की खबर तेजी से इलाके में फैल गई और कई लोग उसे देखने के लिए पहुंचे। वहीं लोगों ने नवजात की मौत पर शोक भी जताया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर भिलाई से है, जहां पर आपको बता दें कि रिसाली नगर निगम अंतर्गत नवासत सैकड़ों महिलाओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। और आपको बता दें कि दरअसल ये महिलाएं दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल के निवास पहुंचकर बीजेपी के का गमछा पहनकर बीजेपी की सदस्यता ली है। वहीं महिलाओं ने बताया कि बीजेपी की रीति नीति और दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल के कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। जी पंजाछाम में थे हम लोग, हमको पूरी लेडीज लोग जुड़े हुए थे, महिलाओं लोगों को सहयोग चाहिए था, कुछ भी बेनिफिट वहाँ से नहीं मिला तो हम लोग इस पार्टी में जुड़ने आए। कैसा बेनिफिट चाहिए था? वैसे वही सहयोग लेडीज लोगों को, काम काज आगे बढ़ाना अपनी पार्टी को, है ना। शराबखोरी और लोगों को बेवजह पुलिस के माध्यम से परेशान करना, इस तरह जो वाकया चल रहा है, सट्टा जुआ और बड़े बड़े माफिया हो गए हैं आज तो। जो माफिया बड़े बड़े मेट्रो सिटी में हुआ करते थे, आज यहाँ भिलाई में दिखने लगे हैं। ऐसे माफियों का राज है, कोयला चोरी, ये सबसे पूरे छत्तीसगढ़ के जनता तो त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता अब त्रस्त हो चुके हैं। तो 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, जहां बसपा ने अपने सभी चारों विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की सूची बनानी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सबसे पहले कटघोरा विधानसभा क्षेत्र से सत्यजीत कुर्रे को प्रत्याशी बनाया गया है, और वहीं रामपुर विधानसभा से जगत राम राज्य को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। दोनों प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। बता दें कि नगर पालिका निगम MIC सदस्य जिला अध्यक्ष फूलचंद सोनवानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि BSP पहले से ही चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और जल्द ही बहन मायावती के आदेश अनुसार क्षेत्र में कार्यक्रम शुरू कर दिए जाएंगे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की एड्रेस पार्टी है और चुनाव से पहले ही संगठन का अपना एक कार्यक्रम बनता है और उस कार्यक्रम के हिसाब से हमने अभी जिला कमेटी के साथ साथ विधानसभा कमेटी और उसके साथ साथ पूरा सेक्टर और हमने बूथ स्तर का भी कमेटी बना चुके हैं। और रही बात प्रत्याशी की बात, हम लोग चुनाव से साल भर पहले, 6 महीना पहले हम लोग अपना प्रत्याशी तलाश करते हैं और जो जमीनी स्तर पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको हम टिकट देते हैं और उसके हिसाब से हम लगभग अभी कोरबा विधानसभा के, कोरबा जिला के चारों विधानसभा में हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरबा के जिला एवं सत्य न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां राजीनामा अयोग्य मामले का निपटारा किया गया, जिसमें बैंक LIC विद्युत मंडल के साथ साथ दुर्घटना दवा मामलों का निपटारा किया गया। कोरबा जिले के सभी न्यायालयों में कुल मिलाकर 5,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। वहीं जिला एवं सत्य न्यायाधीश BL कचुकबार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रकार के आयोजन से छोटे मामलों को जो राजीनामा योग्य होते हैं उन्हें आसानी से निपटाया जा सकता है और इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है और लाभ उठाया। जिले के विभिन्न न्यायालयों में सिविल, क्रिमिनल एवं प्रिलिटिगेशन मामले रखे गए हैं। प्रिलिटिगेशन के लगभग 2500 से अधिक मामले रखे गए हैं और रेगुलर केसेस जो होते हैं उसके लगभग 1600 से अधिक मामले रखे गए हैं।
इसमें लगभग 450 से अधिक मामले राजीनामा हो चुका है और संभावना है करीब 500 से मामले में राजीनामा हो सकता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और धर्मजयगढ़ के सरभंजा में वन मितान कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का आयोजन वन विभाग ने किया और इस कार्यक्रम में सरपंच सचिव सहित वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी के साथ ही छात्रों ने भी शिरकत की है। कार्यक्रम में वन एवं मानव विषय पर निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले छात्रों को सम्मानित करते हुए उन्हें पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जानकारी दी गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और दुर्ग में सिटी बस संचालन की सेवा शहरों के अंदर से शुरू की जा रही है और बताया जा रहा है कि जिला मिनी बस मालिकों की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है और आपको बता दें कि दुर्ग सीएसपी वैभव बैंकर के नेतृत्व में सिटी बस सेवा शुरू की गई है और इस दौरान एसडीएम मुकेश रावटे ने बताया कि यह सेवा कोरोना काल से पहले जैसी थी उसी हिसाब से संचालित की जा रही है और जिसमें किसी भी तरीके का विरोधाभास नहीं है। कुछ गलत जानकारी मिनी बस संचालकों को हो गई थी और जिसे बैठक में निर्णय लेकर सुलझाया जाएगा। वहीं सीएसपी वैभव ने सिटी बस सेवा को चालू कर यात्रियों को रवाना कर दिया है। जी यहाँ पर ये जो मसला है जो सिटी बस के ऑपरेटर्स हैं उनके बीच में है। हमें शासन के द्वारा इस मामले के लिए अवगत करवाया गया था जिसके बेसिस पर हमने सारे जो बल है उसको डिप्लॉय किया गया है यहाँ पर ताकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था ना बिगड़े यहाँ पर या किसी भी तरीके से रोड को ना ब्लॉक किया जाए। क्योंकि पहले भी सिटी बस संचालित होते रहा है कोविड पीरियड से जैसे पहले चलती थी क्योंकि वो पहले का ही परमिट जारी हुआ है उसी रूट में है उसी रूट के हिसाब से है और कोविड से पहले भी सिटी बस संचालित हो रही थी तो जो रूट थी वही रूट है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। डोंगरगढ़ पुलिस बीते कुछ समय से एक्शन मोड में नजर आ रही है। अवैध शराब बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने वाले 9 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि लगभग एक साल पहले तक डोंगरगढ़ में कांग्रेसी नेता के संरक्षण में अवैध शराब की गंगा बह रही थी जिसके कारण धर्मनगरी का माहौल खराब हो गया। खादी के आगे खाकी मजबूर नजर आ रही थी और इससे सरकार की भी छवि धूमिल हो रही है जिसको देखते हुए ऊपर से आदेश हुआ और तत्कालीन एसपी संतोष सिंह के मार्गदर्शन में निजात अभियान के तहत अवैध कारोबार पर रोकथाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की गई है। खबर जांजगीर से है जहां पर जबरदस्ती जमीन से बेदखल करने का मामला सामने आया है जहां बदमाशों की ओर से गुंडागर्दी कर गरीबों का शोषण किया जा रहा है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार संतराम चौहान ने 38 साल पहले प्रगेंद्र सिंह गोट से जमीन खरीद ली थी और जहां आदिवासी जमीन होने के कारण स्वयं विक्रेता वीरेंद्र सिंह के द्वारा कलेक्ट्रेट में मंजूरी के लिए आवेदन दिया गया था। वहीं एक महीना बीत जाने के बाद भी कुछ कार्रवाई न होने पर एसपी जांजगीर के पास गुहार लगाई है। बार बार तहसीलदार के चक्कर लगाना पड़ रहा है और संबंध में तहसीलदार आशा चंद्रकार से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जमीन खरीदा था 1984 में, अब लगभग 38 साल हो गया और मुर्गेन रसीद थे और वह जो है उत्तर दिन से उसको पावर दिया था, काश्तकारी कर रहे थे और जीते खाते अभी तक जा रहे थे, शांतिपूर्वक निर्वाह कर रहे थे। लेकिन कुछ दिन के पहले उनके चाचा का लड़का आकर के अपने करनी गया बता रहा था हेमेंद्र सिंह पिता रहती जमन सिंह अपने आप को पावर ऑफ पटरनी दिया है, तुम मेरे को 2 लाख रुपये दो या जमीन से बेदखल कर दूंगा। आए दिन इस तरह से धमकाते रहता है और थाने में भी बुलाया गया था। जांच टीम का आदेश मैं करती हूँ लेकिन यहाँ से ज्ञापन जारी हुआ है। जैसे ही ज्ञापन जारी होगा वो लोग मौके पर पहुँचेंगे। मेरे को तो उल्टा प्राप्त हुआ है यहाँ पे जानकारी की आवेदक ही उनको डरा धमका रहे हैं। अच्छा, उनको पटवारियों को और पटवारी को वो ही नहीं करने दे रहे हैं, जाँच ही नहीं करने दे रहे हैं ऐसा पता चला है मुझे। इसीलिए जब जाँच होगी तो पुलिस बल भी साथ में रहेगी।
और लिया हूँ और मेरे को पावर दिखा जाता है, गुंडा लेके जाता है, धमकी देता है, वो ही जाता है वो दादा पास। मेरे को डॉक्टर था, एक बार नहीं दो बार तीन बार हो गया, पटवारी लगे रही थे, पटवारी भी लिखित हुए पहुंच एक तक में। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि ये बयान कैंपा मद में हुए भ्रष्टाचार को लेकर दिया है। उन्होंने कहा कि डैम में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे मनरेगा का हो या डीएमएफ का हो, सबकी जांच होगी, सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, चाहे कैंपा मद का हो, चाहे मनरेगा का हो, चाहे डीएमएफ का, सबकी जांच होगी और सबके ऊपर कार्रवाई होगी पूरी तरीके से। शासन सक्रिय है, शासन के ऊपर वाले भी सक्रिय है, कोई बचने वाला नहीं। तो खबर भिलाई से है, जहां पर आपको बता था कि भिलाई के हथखोज इंडस्ट्रियल एरिया से है, जहां पर काम से लौट रहे एक कर्मचारी हाइड्रा मशीन के नीचे आ गया और जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए हादसे की जांच शुरू कर दी है। तो भिलाई से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आपको बता दें कि एक मजदूर जो है वो हाइड्रा मशीन के चपेट में आ गया है और गंभीर चोटें आई हैं, तो वहीं इलाज लगातार मरीज का जारी है। चलिए भिलाई से खबर है, जहां पर भिलाई में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि एक स्कूली बस स्कूटी से जा टकराई और अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बस के हेल्पर की मौत हो गई, वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं इस घटना की सूचना पर पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों का इलाज जारी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर दुर्ग से है, जहां पर एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रही छात्रा ने आत्महत्या कर ली। और आपको बता दें कि मृतक छात्रा दिल्ली की रहने वाली है और साथ ही आपको बता दें कि पद मनापुर में हॉस्टल लेकर रहती थी। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर जांजगीर से है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आगमन पर सर्किट हाउस में खास कार्यक्रम आयोजन किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने हसौद के पेड़े से मुख्यमंत्री को तौला और इस अवसर पर चंदपुर विधायक राम कुमार यादव, राज्य पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, राज्य शांकभारी बोर्ड के अध्यक्ष राम कुमार पटेल, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश समन्वयक सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस दौरान मौजूद रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सारंगढ़ के बरमकेला ब्लॉक में एक ऐसा गांव है जहां पर ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम से गांव का नाम ही गायब हो गया, जिसके चलते किसान धान बिक्री के लिए परेशान है, पंजीयन के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। और आपको बता दें कि यह सुनने में जरूर अटपटा लगेगा, पर वनांचल क्षेत्र में लीमपाली गांव के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहां के किसान कभी धान खरीदी केंद्र तो कभी तहसीलदार तो कभी कलेक्ट्रेट के चक्कर काटकर थक चुके हैं। ऐसे में किसान अब अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। शासन प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा गरीब किसानों को भुगतना पड़ रहा है। सबसे पहले तो हम लोग जैसे नया पंजीयन हुआ, तो जैसे नया पंजीयन स्टार्टिंग हुआ तो हम लोग सोसाइटी गए, तो सोसाइटी में ये हुआ, सोसाइटी वाले ये बोले हमको कि लीमपाली का नाम आप हमारे सॉफ्टवेयर में शो नहीं कर रहा है। ठीक, तो फिर बोले हाँ, तो हम लोग बोले कि क्या उपाय है, सोसाइटी वालों से बोले कि क्या उपाय है, तो सोसाइटी वाले बोले कि नहीं अपडेट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा तो हम लोग कर देंगे बोल के।
और हम लोग ग्राम सेवक से भी मिले तो ग्राम सेवक भी यही बोले कि नहीं अपडेट हो जाएगा तो हम लोग कर देंगे, वेट करो। लास्ट समय आ गया सर, जैसे पंजीयन की तिथि आखिरी हो गया उसके बाद हम लोग पहुंचे तो फिर पता चला कि नहीं, मतलब नहीं हो पाएगा बोल के सोसाइटी वाले बोल दिए कि नहीं हो पाएगा। ये कालाकोटा मंडी वाले बोल रहे थे पहले जब पंजीयन कराने गए थे तो गांव का नाम ही ये सिस्टम में नहीं दिखा रहा है बोल के, तो ये लोग हमको आश्वासन दिए आज हो जाएगा कल हो जाएगा बोल के, कम से कम महीना भर हो गया जब नहीं हो पाया तो ये लास्ट तक ये लोग बोले लास्ट डेट तक कि आप लोग तहसील ऑफिस चले जाओ। जब हम लोग तहसील ऑफिस गए तो तहसीलदार साहब बोले कि हमारा कोई जवाबदारी नहीं है ये पंजीयन का, तो हम लोग कलेक्टर के पास गए। हमारे गांव लिम्पाली में पंजीयन को लेके काफी दिनों से बहुत दिक्कत हो रहा है, मंडी में जाके बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि नाम जो है अपलोड नहीं हो पाया है सॉफ्टवेयर में, इसको तहसीलदार से भी अवगत करवाए तो उन्होंने बताया कि मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसी बात को लेकर हम लोग कलेक्टर साहब के पास भी गए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हो जाएगा लेकिन आज के डेट तक नहीं हो पाया। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है, मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।